हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे काफी अच्छे और इजी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि काफी अच्छा और काफी इफेक्टिव होगा हमारे ट्रेडिंग के लिए और जिसका विन रेट भी काफी अच्छा है। इस स्ट्रेटजी में हम दो इंडिकेटर्स को ऐड करेंगे अपने चार्ट में। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे और भी कंटेंट्स हमारे चैनल पे हैं और आने वाले दिनों में भी और भी ऐसे कंटेंट्स हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो आप लोग इस वीडियो को भी लाइक करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो एज वी कैन सी, हम यहाँ पे BTC USDT का चार्ट लगा रखे हैं एक मिनट का टाइम फ्रेम पे। हमें अपने टाइम फ्रेम को एक मिनट पे ही रखना है और इस स्ट्रेटजी को हम किसी मार्केट में यूज कर सकते हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो, स्टॉक्स हो या फिर फॉरेक्स ही क्यों ना हो। तो एज वी कैन सी यहाँ पे BTC USDT का एक मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है और यहाँ इंडिकेटर टैब पे जाएंगे एंड हियर वी हैव टू सर्च फॉर TMA ओवरले। इस वाले इंडिकेटर को हमें अपने फेवरेट्स में ऐड कर लेना, क्योंकि इंडिकेटर काफी अच्छा है। तो एज वी कैन सी, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इंडिकेटर हमारे चार्ट पे अप्लाई हो चुका है। अभी हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसके कुछ सेटिंग्स को हम चेंज कर लेते हैं। स्टाइल्स में जाएंगे और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को हम डिसलेक्ट करेंगे, जैसे कि सेशन बैकग्राउंड को डिसलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से 21 SMA को हम लोग थोड़ा सा विजिबल कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 21 SMA को हम लोग ब्लू कर लिए हैं। अभी हम इसको ओके कर लेते हैं। तो जनरली ये इंडिकेटर हेल्प करता है मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के लिए इंगल्फिंग कैंडल्स और स्मूथ मूविंग एवरेज के थ्रू। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं SMA यहाँ पे अप्लाई है, 4 SMA है, 21, 50, 100 and 200 SMA और ये चारों मूविंग एवरेजेस जो है ये मार्केट के ट्रेंड को शो करते हैं। जब भी प्राइस एक्शन इन चारों मूविंग एवरेज के ऊपर होगा उस टाइम हम लोग शॉर्ट पोजिशन को अवॉइड करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग को देखेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे चारों मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस एक्शन है, तो हमें सिंपली यहाँ पे शॉर्ट्स को अवॉइड करना है। अभी हम लोग अपने दूसरे इंडिकेटर को ऐड कर लेते हैं, नेगलेक्टेड वॉल्यूम बाय DGT। दिस वन की इस पे भी डबल क्लिक करते हैं और इसके भी कुछ सेटिंग्स को डिसलेक्ट कर लेते हैं। तो एज वी कैन सी ये इंडिकेटर काफी इजी और काफी सिंपल दिख रहा है अभी हमें। तो अभी हम समझ लेते हैं कि हमें लॉन्ग या शॉर्ट कब करना है। अभी हम बात कर लेते हैं कि हमें लॉन्ग कब करना है। तो जब भी मूविंग एवरेज 20, 50, 100, 200 इस तरीके से जब भी होंगे, जब भी 20 मूविंग एवरेज ऊपर होगा और 50 उसके बाद होगा और 50 के बाद 100 होगा, 100 के बाद 200 होगा, तो इट मींस कि ये ट्रेंड कंफर्म्ड है कि अब ट्रेंड में मार्केट है। देन आफ्टर हमें एक बुलिश ट्रायंगल यहाँ पे देखना है जो कि ग्रीन कलर में होगा, तो यहाँ पे ये भी आ चुका है। और उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे वॉल्यूम बार में ग्रीन बार देखना है जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है जस्ट इसके नीचे। तो यहाँ पे सिंपली हम बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा रिसेंट स्विंग लो और टेक प्रॉफिट होगा 2 times ऑफ रिस्क। ऐसे हम लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे चारों मूविंग एवरेज असेंडिंग ऑर्डर में है, 20, 50, 100, 200 और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन ट्रायंगल भी बना हुआ है और जस्ट उसके नीचे यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम बार भी बना हुआ है। तो सिंपली हम इस कैंडल पे बाइंग ऑर्डर प्लेस करेंगे और यहाँ पे भी एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला हमें। और जब भी मूविंग एवरेजेस एक दूसरे को आपस में क्रॉस कर रहे होंगे तो हमें उस टाइम में एक रेंज बाउंड देखने को मिलेगा। जब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मूविंग एवरेज एक आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो हमें यहाँ पे रेंज बाउंड देखने को मिला। ऐसे हम लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे मूविंग एवरेज एक वे में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, हमें यहाँ पे भी एक साइडवेज मार्केट देखने को मिला है। इसमें हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, ना तो लॉन्ग ना तो शॉर्ट हमें देखना है। ऐसे हम लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, चारों मूविंग एवरेज असेंडिंग ऑर्डर में है, 20, 50, 100 and 200 मूविंग एवरेज और फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रीन ट्रायंगल भी बना हुआ है, प्राइस एक्शन इन चारों मूविंग एवरेज के ऊपर है और यहाँ पे भी एक ग्रीन हिस्टोग्राम देखने को मिला है हमें वॉल्यूम बार। तो इस कैंडल पे हम बाइंग ऑर्डर प्लेस करेंगे अपना। अभी हम बात कर लेते हैं अपने शॉर्ट्स के रूल्स के बारे में। तो सेम वही तीन कंडीशन होंगे शॉर्ट्स के लिए भी, लेकिन यहाँ पे मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से होना चाहिए, 200 सबसे ऊपर होना चाहिए, 200 मूविंग एवरेज सबसे ऊपर, देन आफ्टर 100 मूविंग एवरेज, देन 50 और सबसे लास्ट पे 21 मूविंग एवरेज होना चाहिए। तो एज वी कैन सी यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे चारों मूविंग एवरेज है। देन आफ्टर हमें एक बियरिश ट्रायंगल देखना है यहाँ पे रेड कलर का जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है और उसके बाद वॉल्यूम बार में हमें रेड हिस्टोग्राम देखना है जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कैंडल पे अपने ऑर्डर को प्लेस करेंगे और स्टॉप लॉस होगा रिसेंट स्विंग हाई और टेक प्रॉफिट होगा 2 times ऑफ रिस्क। तो जैसा कि हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज सबसे ऊपर है, देन आफ्टर 100 मूविंग एवरेज, देन 50 मूविंग एवरेज और उसके बाद है 21 मूविंग एवरेज और यहाँ पे रेड ट्रायंगल भी बना हुआ है, प्राइस एक्शन इसके नीचे भी है। तो इस कैंडल पे हम शॉर्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे, स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग हाई एंड टेक प्रॉफिट 2 times ऑफ रिस्क।
जैसे कि हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है 20 मूविंग एवरेज सबसे ऊपर, देन आफ्टर 50 एंड देन आफ्टर 100 और सबसे लास्ट में 200 मूविंग एवरेज है। और यहाँ पे ग्रीन ट्रायंगल भी बना हुआ है और यहाँ पे हिस्टोग्राम भी ग्रीन है। तो इस कैंडल में हम बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे, स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो, टेक प्रॉफिट 2 times ऑफ रिस्क। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी समझ में आया हो और काफी हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए। तो सिंपली हमें ये चीज अवॉइड करना है, जब भी मूविंग एवरेज एक वे में ना हो और आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो तो सिंपली उस टाइम हमें ट्रेड्स को अवॉइड करना है। बाकी तो मैंने आप लोगों को लॉन्ग और शॉर्ट्स के लिए कंडीशंस बता दिया है जिन्हें आप फॉलो करके काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी कंटेंट्स हम लोग लाते रहें आप लोगों के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।